आप देख सकते हैं महाराष्ट्र ही है जहां पे कोरोना का कहर सबसे ज्यादा था, लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता कि ये वही जगह है जहां पे लाखों लोग जहां पे अपनी जान गंवा चुके हैं। अस्पतालों में जगह नहीं थी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, बिना ऑक्सीजन के कई लोग मर गए। लगभग इस जगह में जितने भी लोग उपस्थित हैं, सब ने अपने जीवन का सबसे भयंकर दौर कोरोना लॉकडाउन के समय में देखा होगा। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया है यहाँ पे। पुलिस की गाड़ियां भी हैं, लेकिन वो सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। कई लोग हैं यहाँ पे, हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो कस्टमर हैं और सब्जियां खरीदने के लिए आए हुए हैं, फूल खरीद रहे हैं। आपने मास्क लगाया हुआ है? कई लोग यहाँ पे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसी भीड़ भाड़ी वाली जगह में क्या कहेंगे? नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए। क्या लगता है कि भारत जैसे देश में लोग भूलने के आदि हो चुके हैं? नहीं, उनको वो सोच रहे हैं कि कोरोना नहीं है। अच्छा, थोड़ा घर पे रहना चाहिए। हाँ, जबकि यहाँ पे जितने भी लोग दिखाई दे रहे होंगे, सब ने कोरोना महामारी को देखा हुआ है, कोई आज पैदा नहीं हुआ है, सबने देखा हुआ है। कोरोना की पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, तीसरी लहर की बात भी वैज्ञानिक कह रहे हैं। उसके बावजूद इस मार्केट में जहां पे हजारों दसों हजार लोग एक समय में इकट्ठे हैं, इस तरह से बिना मास्क के घूमना कितना जायज है? यह अच्छा नहीं है। अच्छा, अपने सुरक्षा के लिए मास्क लगाना चाहिए। अभी यहां पे मैंने देखा कि पुलिस तो है, आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ी है, कंट्रोल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पुलिस यह नहीं देख रही है कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लोगों को। लगाए वो बताएंगे ना, कितना आदमी को बताएंगे, खुद को सोचना चाहिए कि अपना सुरक्षा के लिए रहना चाहिए। सही बात है, लेकिन यही तो है, पुलिस प्रशासन इसीलिए होते हैं कि अगर लोग नहीं सोच रहे हैं अपने बारे में तो हम उनको जबरदस्ती सोचने पे मजबूर करें। जब लॉकडाउन लगता है तो क्या लोगों को आजादी मिलती है कि हम मास्क पहनो चाहे नहीं, जहां आना है जाओ, दुकान खोलनी है खोलो? कंट्रोल सरकार ही करती है, सरकार ही बोलती है क्या करना है क्या नहीं। अब अगर सरकार का आदेश अभी भी है कि लोग कहीं भी जाएं मास्क लगाएं, अगर नहीं लगा रहे हैं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जहां कोरोना के कई केसेस अभी भी हैं, वो तो है, चालू है। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट से मुंबई में, पूरे देश में मुंबई में सबसे पहली डेल्टा प्लस की जो मरीज थी एक महिला, वो एक्सपायर हो चुकी है कोरोना डेल्टा प्लस के वेरिएंट से। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन अभी भी सो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या करेगा अभी, अभी ज्यादा हम तो बोल नहीं सकते, उन्हें सोचना चाहिए ना। सब लोग नहीं चलते हैं अपने सुरक्षा के लिए, बस यही बस। क्या नाम बोलते हैं आप? सुनील जंगा। मुंबई से ही है जी। क्या अच्छा लगता है मुंबई में? सब अच्छा लगता ही है। ये चीजें जो असुरक्षा वाली है, अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ मुंबई में ही है, दादर बाजी है ना, तो मुंबई ही सबसे ज्यादा असुरक्षित है। पिछली बार भी सबसे ज्यादा केस मुंबई में ही थे, मृत्यु भी मुंबई में ही सबसे ज्यादा हुई। इसके बावजूद अगर सरकार सोई हुई है तो क्या कहेंगे? कुछ पता नहीं चलता, अपन उनका लोग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोरोना से सरकारों को फायदा है इसलिए ऐसा कुछ है? मालूम नहीं है, भैया बोलना नहीं चाहते। कोरोना है किधर? नहीं है कोरोना किधर है किधर है, तो पब्लिक दिख रही है ना। हाँ। तो पागल है। अच्छा, हाँ अपन पागल है, कोरोना कोरोना अपन कर दे। हाँ। अपने अपने लिए अपन सुरक्षित रहना चाहिए। हाँ। मुंह को मास्क लगाना चाहिए, बड़े टाइम से ये करना चाहिए। हाँ। अगर अपन पालन पोषण नहीं करेगा तो फिर अपने को बारे में क्या करें? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बोल रही है। तो नहीं रह सकते, पेट के लिए तो खाने को चाहिए, खाना पड़ेगा, लेकिन सुरक्षित होकर रहना पड़ेगा, सुरक्षित रह के खाना ये करो। हाँ। तो अभी कोई कस्टमर आ गया आपका, मास्क नहीं लगाया है, तो आपको डर लगता है यहाँ बैठने में? कुछ नहीं है, आपको अपने सुरक्षा अपनी जगह पे है, बाटली है, बरेली वगैरह देने का, हाथ से अपने शरीर का छोड़ देने। अच्छा,
उसे कुछ नहीं डरना। लेकिन लोगों को मास्क लगाना चाहिए कि नहीं? अगर अभी पब्लिक को कौन बोलेगा, तुम बोलेगा कि मैं बोलेगी? मैं तो बोलने के लिए ही निकला हूँ। पब्लिक सुनेगी तो ना तुम्हारी बात। अभी लोग जो देखते हैं कैमरा चल रहा है तो लगा लेते हैं। दी खबरदार न्यूज। वही तो बोलते हैं। कुछ देखो भाई, घर पे बैठ के कोई देने वाला नहीं है, कोई नहीं देने वाला। भूखा रह के कुछ होने वाला नहीं है। सही बात है। अपने पेट के लिए लगता है करके अपन धंधा करते हैं, मगर अपने अपन अपने लिए सुरक्षित रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जब पहली बार कोरोना आया था तो आप जब ये कर रही थी, फूल बेच रही थी, डर लगता था? नहीं, जब मैं गांव भागी थी। अच्छा, गांव चले गए? पहले जिस टाइम जब कोरोना आया था, जिस टाइम मैंने लॉकडाउन में अपने गांव भागी थी। अच्छा, फिर वापस आई। जब दूसरा लॉकडाउन लगा फिर क्या किए? फिर मैं बम्बई में ही थी। अच्छा, बम्बई में ही। सरकार ने ख्याल रखा आप लोगों का? रखा, थोड़ा थोड़ा रखा है। इसके लिए कहा जो मामा किसी जो करना चाहिए ना। दुकान तो बंद रखनी पड़ी रही होगी? दुकान तो दो साल बंद किया था भाई। हाँ। अभी तो चालू किया मेरे बंदा। अच्छा। भूखा मर रही है मैं। और अभी लोग बोल रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है। अभी वो सरकार को मालूम है, हम लोग को गरीब लोग को मालूम नहीं है। तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए ना कि इस मार्केट में जो लोग आए, जो लोग रोड में घूमे, मास्क तो कम से कम लगा के रखे। वो तो बात सही है आपका, है ना। लॉकडाउन के समय में 500 रुपए 1000 रुपए जुर्माना होता है जो मास्क नहीं लगाता। वो तो बात अभी क्यों नहीं है? पहला जब नया निकला था, जब लॉकडाउन में सबने कमाया। हाँ। अभी कानून कायदा किधर गया? किधर गया कानून कायदा? किधर गया कानून कायदा? कुछ नहीं, खाली गरीब लोग को सताने के लिए है। गरीब लोग भूखा मोरो, भूखा मोर मोर के अभी लास्ट को रस्ते पे आए। वही है ना कि सरकार अभी कंट्रोल नहीं कर रही जब कर सकती है। जब कोरोना बढ़ जाएगा तो लॉकडाउन लगा देगी, सबसे सरल रास्ता है। गरीब मरते हैं तो मरते रहे। अभी लॉकडाउन लगेगा तो आपको फिर से दुकान बंद करनी पड़ेगी। वो तो बात सही है भाई, है ना। वो तो बात सही है। मैं किधर ना बोलती हूँ, कोरोना नहीं है, मगर अपन अपने जान के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। अपन नहीं कमाएगा, अपन भूखा रहेगा, अपने को खाने को कौन देगा? कौन देगा? अपने पैर से लाचार है। 2 साल से मैं घर पे बैठी हूँ। अच्छा, ये कोरोना के वजह से। कोरोना अभी भूखा मर रही करके आज रास्ते पे मैं आई। 2 रुपया कमाएगी तो मैं खाएगी ना।